के लिए तो एक्चुअली रात को मुझे सा... तो अर्थ ने 30 हो रहे हैं और सिंपल मैंने आ... यहाँ पर ना मैंने पीनट्स भी एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो आज मैं आप लोग के साथ एक टिफिन रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, वो है पोहा के कटलेट्स। तो यहाँ पर ना पोहा मैंने एक कटोरी भिगो के रखा हुआ था, उसको फिर अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर दिया था और उसमें ना मैंने एक पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो को अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो जब भी आप पोहा के कटलेट्स बनाए ना तो पोहा ज़्यादा रखें और जो पोटैटोज है ना वो कम रखें, जिससे कि ना इसको बाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसमें आप जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। अगर आपकी जो क्वांटिटी है ना पोहा और आलू की, अगर वो सही नहीं होगी तो आपको इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा जिससे कि बाइंडिंग हो पाए। जैसे कि ब्रेड क्रम्स आप ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर है, मैदा है वो भी, बट यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा था, मैंने सिंपल ऐसे ही बनाए थे। यहाँ पर मैंने पोहा पूरा एक कटोरी लिया था और एक मैंने इसमें आलू, बॉयल्ड आलू मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी आप मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। थोड़ा सा बस अमचूर पाउडर आप इसमें ऐड कर दें, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो क्योंकि मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही थी तो मैंने रेड चिली पाउडर बहुत ही कम यूज किया था और सारा मैंने सारे जो मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से इसमें ऐड कर रहे थे। आप इसको किसी भी शेप में फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, कैसे भी करें, बट मैंने यहाँ पर डीप फ्राई करना ही प्रेफर किया था क्योंकि डीप फ्राई ना काफी अच्छे और टेस्टी लगते हैं, काफी कुरकुरे भी हो जाते हैं। वड़े की शेप में मैं बना रही थी, आप चाहे तो किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। तो मैंने जो ये टिक्की बनाई थी ना ये बिल्कुल भी नहीं टूटी थी क्योंकि इसमें जो रेशियो था ना पोहे और आलू का वो बिल्कुल सही था। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी जो टिक्की है ये डीप फ्राई करते हुए टूट रही है तो इसमें थोड़ा सा आप मैदा ऐड कर दें या कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, उससे ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो दोनों बच्चों के टिफिन रेडी थे। अथर्व के टिफिन में थोड़ा बहुत मैं कुकीज़ वगैरह भी ऐड करती हूँ और अर्थ के टिफिन में सिंपल मैंने एप्पल और ये टिक्की ही रखी थी। दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा जो असली काम है वो स्टार्ट हो जाता है, वो है क्लीनिंग का। सुबह के टाइम पे जो दोनों बच्चों के काम ही मैं करती रहती हूँ और उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर क्लीनिंग मैं करती हूँ, किचन की जनरली मैं क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम होता है ना। 8 o'clock पे सुरेश निकलते हैं ऑफिस के लिए तो एक बार तब किचन में काम होता है, उसके बाद बच्चे जाते हैं तो बच्चों का काम होता है। पर ना मैंने दाल भिगो दी है रात के लिए, तो एक्चुअली रात को मुझे सांभर बनाना था बट अरहर की दाल ना पूरी है नहीं, इसलिए मैंने साथ में ना मलका भी इसमें मिक्स कर दी है। और अर्थ के लिए भी ना मैंने दाल और राइस की खिचड़ी में यहाँ पर तड़का लगा दिया है, फिर जब वो आएगा ना उसके बाद ही फिर मैं इसको पकाऊंगी। आफ्टरनून टू ऑल, तो अभी 1 बज गया है और मैं दोनों बच्चों को ड्रॉप करके आ गई स्कूल। घर का भी थोड़ा बहुत काम मैंने आधे घंटे में ही निपटा दिया, तो वैसे तो सारा काम मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है कुकिंग वगैरह का भी, बट ये होता है ना किचन वगैरह बहुत ही मेरी ऐसी पड़ी रहती है। तो किचन क्लीन करके अभी सारे जो कपड़े वॉश करे थे कल रात को मैंने वो सब मैंने बाहर डाल दिए हैं, तो अभी बस मैं अपने चाय लेकर आ गई हूँ। तो ना आज ना 3 दिनों के बाद बच्चे गए हैं स्कूल, तो अर्थ का मुझे आज बहुत डाउट था कि पता नहीं कहीं रोने ना लगे जाते हुए, बट थैंकफुली
इज वेरी हैप्पी. अभी एक हफ्ता हो गया उसको स्कूल जाते हुए, बहुत ही खुशी खुशी जा रहा है. थोड़ा बहुत सेटल डाउन भी हो गया है. अभी मैं देखती हूँ ना उसको कि थोड़ा बहुत वो पहचानने भी लग गया है एक दो टीचर्स को ना, तो सही है. बच्चे जितने जल्दी मिल जाए ना टीचर्स के साथ उतना ज्यादा सही रहता है. तो दिन में ना आजकल मैं उसको खिचड़ी ही दे रही हूँ, क्योंकि ना स्कूल से आने के बाद ना उसको ज्यादा भूख नहीं लगती है. तो इस वजह से मैं खिचड़ी स्पून फीड करा देती हूँ. ऊपर से वो बहुत ज्यादा नींद में होता है, जिसकी वजह से ना वो रोटी वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाता. तो बेटर है कि खिचड़ी को ऑप्शन मुझे सही लगता है, चाहे दलिये की खिचड़ी हो या फिर किसी भी चीज की. तो ना दोनों के टिफिन ना वैसे मैं अलग अलग करती थी, बट अथर्व देख लेता है ना अर्थ के टिफिन में मैं कुछ ऐसा रख रही हूँ, कुछ टिक्की वगैरह या कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कुछ रख रही हूँ उसके टिफिन में ना, तो उसको भी वही होता है कि मम्मी मेरे टिफिन में भी यही रख दो. तो इस वजह से ना कई दिनों से जो अर्थ को जा रहा है टिफिन वो भी सेम अथर्व को भी वही जा रहा है. तो वही है, देखती हूँ यार कितना टाइम तक ये चल पाएगा. तो अर्थ ने आज अपना टिफिन फिनिश करा है, विच इज अ गुड थिंग. क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, टूट गया तो बेटा. आपको स्कूल में? हाँ. तो अर्थ जब स्कूल से आता है ना तो उसकी एनर्जी को मैच करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है ना, वो इतना एनर्जेटिक रहता है ना, ओवर एक्साइटेड रहता है. एक्चुअली ये इसका नैप का टाइम होता है, 3 o'clock के अराउंड जनरली वो घर पे सोता था. तो इस टाइम पे ना बच्चे जब होते हैं ना ओवर टायर्ड हो जाते हैं, तब बच्चा बहुत ही ज्यादा, आपको लगेगा कि बच्चा बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो रहा है. तो इस टाइम पे उसको बहुत नींद आई होती है, उसको जबरदस्ती उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत उसको खाना खिलाना पड़ता है. जैसे ही वो लेटता है ना वैसे ही वो सो जाता है, उसको इतनी नींद आती है, इतना ज्यादा वो टायर्ड हो जाता है ना स्कूल से आकर. बट वही होता है कि बच्चों को सोना नहीं होता है. तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं उसे पूछती हूँ कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत वो बताता है, क्या बताता है, क्या बोलता है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता. 30 हो रहे हैं और सिंपल मैंने आज मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है अर्थ के लिए, और साथ में है कर्ड, क्योंकि ना इस टाइम पे अर्थ रोटी वगैरह कुछ नहीं खाता ढंग से. तो बेटर है कि उसको मैं स्पून फिट करा देती हूँ जल्द. को सुलाने के बाद एक पार्सल आया हुआ था, जिसमें मैंने अर्थ के लिए उसका स्कूल बैग मैंने मंगवाया था. एक्चुअली अर्थ के लिए हमने पहले भी एक स्कूल बैग लिया था, बट वो काफी उसको बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगा एक छोटा सा मैं उसके लिए बैग ले लेती हूँ, जो कि थोड़ा सा इजी हो जाए उसको कैरी करना. जब से वो स्कूल जाने लगा है ना तब से ही मुझे जो वाला बैग था वो बड़ा लग रहा था, बट मैं यही सोच रही थी कि उसके लिए नया बैग लूँ या नहीं. बट फाइनली मैंने उसके लिए एक नया बैग ले ही लिया, जो कि बहुत ही क्यूट है. और ये फर्स्ट क्राई से मैंने लिया था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, और उसको पहनने के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे लग रहा था. ना 5:30 हो गए हैं और वेदर ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो गई है तो काफी सही लग रहा है. थोड़ा ठंडा हो जाता है जब थोड़ा बारिश होती है ना, अदरवाइज यहाँ पर इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना. तो वही तो अभी मैं थोड़ा बहुत डिनर की प्रिपरेशन कर लूंगी. मैंने दाल रख दी है बॉइल करने के लिए, जो भी वेजिटेबल्स है ना सांभर के लिए वो मैं कट करके अभी रख लूंगी. और अर्थू तो ना 4:30 के अराउंड सोता है, तो उसको तो इतनी नींद आती है ना, एक्चुअली वो 7 o'clock तक उठेगा. उससे पहले बहुत ही ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस हो जाए घर में तो ही वो उठता है, अदरवाइज बहुत गहरी नींद में होता है ना. तो मैं भी उसको उठाती नहीं हूँ बीच में, क्योंकि बीच में उठा दो ना उसे तो काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है. तो अथर्व की ना आज अबैकस की क्लास भी है, तो देखती हूँ अभी वो आएगा 6 o'clock के. तो अर्थ के जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं ना तब से उसका जो आउटडोर टाइम है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर ही वो सोता है. उसका स्कूल आफ्टरनून में है, और मॉर्निंग में क्या होना इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है कि मैं स्पेशली उसको लेकर जाऊँ कहीं आउटडोर टाइम स्पेंड करने, क्योंकि मॉर्निंग में अपना ही काम इतना होता है, बच्चों का टिफिन पैक करो, घर का भी काफ़ी सारा काम रहता है, तो इतना नहीं हो पाता. बट ये है कि चलो जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर जब भी थोड़ा सा कम सोता है वो इवनिंग में, तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ी देर उसको आउटडोर भी ले जाया जाए. मैंने वेजिटेबल्स कट कर दिया, और ना मॉर्निंग में क्योंकि सुरेश आजकल बहुत जल्दी जा रहे हैं ना सुबह, तो इस वजह से मैंने अभी ही जो वेजिटेबल है ना मॉर्निंग के लिए वो भी कट करके रख दिया टिफिन के लिए. अभी मैं चाय पी लूँगी. यहाँ पर रखे हैं बहुत सारे कपड़े, अभी मुझे ये भी फोल्ड करने हैं. जब तक अर्थ उठेगा तब तक मैं ये वाले जो सारे काम है ना ये अपने कर लूँगी.
तो 6 o'clock के अराउंड अथर्व आ जाता है स्कूल से, और आजकल मैं उसको मिल्क दे रही हूँ, थोड़ा सा वार्म मिल्क दे रही हूँ, थोड़ा हल्दी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, और साथ में वो टिक्की ही खा रहा है। उसको आज टिक्की ही इतनी अच्छी लग रही है कि दिन में भी उसने वही खाया और इस टाइम भी उसने कुकीज़ भी खाई थी और साथ में थोड़ी सी टिक्की खाई थी। उसके बाद मैं उसको ड्रॉप करने चली गई थी अबैकस की क्लास के लिए, और फिर घर आके मैं थोड़ा बहुत अपने खाने की जो प्रिपरेशन होती है डिनर की, बस वही सब कर रही थी। तो इस टाइम पर भी अर्थ सो ही रहा था, आज वो 7:30 के अराउंड उठा था। साथ में मैंने पीनट्स भी ड्राई रोस्ट कर दिए थे चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं तड़का लगा रही थी, जो सारी वेजिटेबल्स थी, दाल थी, वो सब मैंने बॉईल कर दिया था। सिंपल मैंने टोमेटो का इसमें यहाँ पर तड़का लगाया था, सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए, सांभर मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। डिनर बन गया है और सुरेश भी आ गए थे, तो वही चले गए अथर्व को पिक करने के लिए उसके अबैकस की क्लास से, और अर्थू भी उठ गया था। तो अर्थू ना 7:30 के अराउंड उठ जाता है। तो चलिए यार, इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय।